स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। हम क्लास 11th के फिजिक्स की बात कर रहे हैं इस समय, और यहाँ पर आप लोगों को मोशन चैप्टर में आपको प्लेन इन मोशन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज हम बताएंगे कि किसी कण का स्थित सदिश पर विस्थापन क्या होगा, जिसको आप बोलते हैं स्थित सदिश तथा विस्थापन की टॉपिक पर चर्चाएं करेंगे। तो हम कॉमनली एक मैथमेटिकली फॉर्म में हम समझते हुए इसके सारे कंडीशंस को समझेंगे। इसका यूज एक्चुअल में होता है न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूं। तो आइए यहां पर स्थित सदिश तथा विस्थापन की बात करते हैं। स्थित सदिश तथा विस्थापन, ये टॉपिक आपका है। अगर इसमें टू डायमेंशन की बात हो रही है, तो कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल्स है, वो मूव करेगा केवल एक्स वाई प्लेन पर, जो मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थित सदिश, सपोज दैट मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश अगर आर है, आर जो है स्थित सदिश है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये स्थित सदिश है। तो इस कंडीशन में सपोज दैट यहां पर हम फिगर बना रहे हैं, कोई कण है मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष वो मूव करेगा अगर, तो एक एक्स अक्ष पर मूव करेगा, जिसके घटक होंगे एक्स आई कैप और वाई जे कैप, वाई एच पर घटक होंगे, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में कोई भी बॉडी मूव करेगी या कोई भी पार्टिकल्स मूव करेगा, तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज दैट इस टाइप से कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है, आप कर फॉर्म में ऐसे बना दीजिए, तो इसका मतलब मूल बिंदु से अगर हम स्थित सदिश की बात करें, तो अगर कण पॉइंट पी पर उपस्थित है, तो मूल बिंदु से इसकी स्थित सदिश का जो डिस्टेंस है स्थित सदिश का, वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट क्यू है, क्योंकि भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तो इसके पोजीशन भी चेंज होंगे, ये पोजीशन चेंज करेगा, तो इस पॉइंट से इस मूल बिंदु के सापेक्ष पॉइंट क्यू की जो पोजीशन होगी, वो आप जो है पॉइंट क्यू लेंगे यहां पे, तो ऐसी कंडीशन में पी से क्यू तक पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा उसको हम विस्थापन बोलते हैं। इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एक अदर स्थित सदिश जो है, इसको आर डॉट लिख सकते हैं, तो पॉइंट पी से क्यू तक एक स्थित सदिश, इसका मतलब यह है कि पी से क्यू तक जो कण मूव कर रहा था उसका विस्थापन होगा। तो इस कंडीशन में अगर यहां पे सबसे पहले मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम पॉइंट पी के स्थित सदिश की बात करें सर्वप्रथम, तो पॉइंट पी पर तो इसके स्थित सदिश थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्लियर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर इसी टाइप से हम आर डॉट की बात करें, तो आर डॉट की पोजीशन मतलब इसी पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स सेम है, केवल पोजीशन इसके चेंज होने के कारण तो ये विस्थापित होगा। तो इस कंडीशन में आर डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप, ये यूनिट वेक्टर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष इसकी स्थिति है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष इन दोनों की स्थित है, दोनों पॉइंट पर। ऐसी कंडीशन पे अब हम यहां पे देखते हैं, ये जो इस पॉइंट की जो स्थित सदिश रही है, वो एक्स डॉट यहां से इस पॉइंट से मूल बिंदु से एक्स डॉट रही है, और पॉइंट पी की एक्स अक्ष पर जो स्थित सदिश रही है वो कितना रही है, एक्स रही है।
तो इसका मतलब यह है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा यहां पर x डॉट माइनस x, ये इसकी ये इसका क्या होगा, विस्थापन होगा x अक्ष पर, विस्थापन पार्ट किसका, x अक्ष पर विस्थापन कितना हो जाएगा, मूवमेंट जो पार्टिकल्स है उसका x अक्ष पर विस्थापन, x अक्ष में विस्थापित कितना होगा, x अक्ष में विस्थापित कितना होगा, इट मींस पॉइंट बिंदु बिंदु P से Q तक, पॉइंट P से Q तक उसका विस्थापन x अक्ष पे कितना होगा, यहां से लिखेंगे आप x डॉट माइनस x इज इक्वल टू डेल x, ठीक है ना, डेल x। सिमिलरली यहां पे अगर हम y अक्ष के अलोंग अगर देखें, y अक्ष के सापेक्ष y अक्ष में विस्थापन कितना होगा, सिमिलरली इसी टाइप से हम इसको फाइंड करेंगे। इसका मतलब इस कंडीशन में y अक्ष पर इसकी जो पोजीशन होगी वो y डॉट माइनस y, यहां से आप ऐसे निकाल सकते हैं इस पोजीशन को, और आप ऊपर बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब हो गया P और Q के बीच ये जो पोजीशन आएगी डेल Y आएगी, ठीक है ना, डेल Y। तो डेल Y मीन्स हो गया Y डॉट माइनस Y, क्यों, Y डॉट आपकी ये पोजीशन मूल बिंदु से इस Q की जो पोजीशन होगी वो Y डॉट होगी मूल बिंदु से इस पॉइंट तक Y डॉट, तो इसके कोऑर्डिनेट आप जो है लिख सकते हैं X डॉट कॉमा Y डॉट, और इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं पी के एक्स कॉमा वाई। ऐसी कंडीशन में आपको प्राप्त होगा वाई डॉट माइनस वाई इक्वल टू डेल वाई, ये पार्टिकल्स का एक्स अक्ष के एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर पोजीशन को शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इस स्थित सदिश की बात करें, दोनों की कंडीशन में स्थित सदिश की बात करें, तो यहां से हमको प्राप्त होगा डेल आर इज इक्वल टू आर डॉट सदिश आर डॉट माइनस सदिश आर, ये प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में डेल आर सदिश वेक्टर है, तो इसमें एक्स डॉट माइनस एक्स एक्स अक्ष पर और वाई डॉट माइनस वाई वाई अक्ष पर, ठीक है, टू डायमेंशन है तो इस कंडीशन में है। तो यहां पर हम प्राप्त करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे हम स्थित सदिश प्राप्त करेंगे डेल एक्स आई कै प्लस डेल वाई जे कै, ये स्थित सदिश हो गया ऐसी कंडीशन में। अब हम यहां पर आपको स्थित सदिश और विस्थापन में जो रिलेशन था, आपको हमने कोई भी पार्टिकल्स, अगर आप पार्टिकल्स मूव कर रही है तो एक कर्व फॉर्म में मूव करेगी, कोई कर्व रहेगा उस पर दो पॉइंट आप ले सकते हैं, दो तीन आप ऐसे सिमिलर दो तीन चार पॉइंट लेकर आप उसकी पोजीशन और स्थिति को आप बता सकते हैं कि इसकी स्थिति की वैल्यू क्या होगी और इसका विस्थापन क्या होगा, इस टाइप से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेग की। आपको पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल्स मूव कर रही है तो उसमें विस्थापन होगा, और वो जो विस्थापन है उस विस्थापन में जो समय लगा हुआ है उस समय को अगर हम कंसीडर करें, इसका मतलब विस्थापन के संगत जो समय अंतराल लिया जाता है, तो विस्थापन और समय अंतराल का जो रेशियो होता है वो आपका वेग कहलाता है। तो यहां पर हम अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, किसी भी पार्टिकल्स का एक्स वाई अक्ष पर वेग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो वेग हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे मूवमेंट, कोई बॉडी है मूव कर रही है तो उसके वेग कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स दिए गए सिमिलर जैसे अभी आपने लिया,
तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा वेग होगा, वेग जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, अगर हम स्थित सदिश या स्थित सदिश के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो जो संगत हमारा जो समय लगता है विस्थापन प्राप्त करने में, वो संगत जो समय होगा वही हमारा क्या होता है, विस्थापन। अगर स्थित सदिश को हम समय के साथ कंसीडर करें तो वेग इज इक्वल टू यहां पे डेल आर अपॉन डेल टी। स्थित सदिश को समय के साथ अगर कंसीडर करें तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो वेग के बराबर होगा। अब अगर किसी भी पार्टिकल्स का आप वेग प्राप्त करते हैं तो उसमें तात्क्षणिक वेग भी होगा, अलग अलग कहने का मतलब, हम P से Q पोजीशन लिए थे स्थित सदिश में, अब हम P से Q जाने पर अलग अलग पोजीशन पर कि मतलब उनकी जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी भिन्न भिन्न पॉइंट पर, तो उन भिन्न भिन्न पॉइंट पर जो समय के अकॉर्डिंग, जो हम यहाँ पर समय के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि समय के अकॉर्डिंग जो भिन्न भिन्न वेलोसिटी प्राप्त होती है वही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो इसका मतलब एक सूक्ष्म समय अंतराल में, अगर सूक्ष्म समय अंतराल के अंदर वो सूक्ष्म स्थित सदिश को प्राप्त करता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली सूक्ष्म सदिश वेक्टर को प्राप्त करता है, तो ऐसे कंडीशन को हम तात्क्षणिक वेग के अकॉर्डिंग हम इसको प्राप्त करेंगे। तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, दिस कंडीशन इज फॉलो इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। इट मीन्स जो हमारा यहां पे समय अंतराल है वो सूक्ष्म समय अंतराल है, उस सूक्ष्म समय अंतराल के अंतर्गत हमारी कितनी स्थित सदिश रही है वो डी आर अपॉन डी टी से हम व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा तात्क्षणिक वेग निकालने का फार्मूला होता है। तो इस तरीके से हम वेग को हम भिन्न भिन्न समय अंतराल पर भिन्न भिन्न स्थितियों में हम इसके वेग को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन को अगर हम दो पोजीशन लें, एक हम कोई भी वेग है यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स है और दो पॉइंट लिए गए हैं P एंड Q, और इन दोनों पॉइंटों के बीच वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इन सभी पॉइंटों पर जो समय अंतराल होगा बहुत सूक्ष्म होगा। इन समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए इनकी वेगों में भी भिन्नता होगी, तो उस वेगों उनकी सॉरी स्थितियों में भी भिन्नता होगी, स्थित में जब भिन्नता होगी तो उनके वेग में भी भिन्नता होगी। तो ऐसी कंडीशन में विस्थापन अगर अप्रोक्सीमेटली सूक्ष्म है, लगभग आप टेंस टू जीरो के अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी भी लगभग शून्य के अप्रोक्सीमेटली होगी। तो कहने का मतलब शून्य से थोड़ा ज्यादा लेकिन शून्य के अप्रोक्सीमेटली। तो इस कंडीशन में P से Q तक जाने में वो भिन्न भिन्न समय को प्राप्त करता है। तो यहां पर सपोज दैट इनकी जो विस्थापन है या स्थित सदिश है, इस इन सारे पॉइंट पर अगर हम लोग इन सारे पॉइंट पर ज्ञात करें तो यहां पर डी आर होगा स्थित सदिश, और ये जो स्थित सदिश होगी उसमें जो समय लगा है वो डी टी होगा जो अति सूक्ष्म होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपके वेलोसिटी, आप इस डी आर अपॉन डी टी आप जब निकालेंगे तो उसके वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन पर। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपके प्रोवाइड होता है। इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर में स्थित सदिश के फर्स्ट ऑर्डर की कंडीशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में है स्थित सदिश जिससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब जब हम जहां पर वेलोसिटी की बात की है, अब हम इसी को बेस मानते हुए हम डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या कहते हैं एक्सीलरेशन की बात कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट यही हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हो गया, एक्सीलरेशन मतलब हो गया त्वरण, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है बेस वेलोसिटी को बेस मानते हुए वेलोसिटी को अगर हम समय के साथ कंसीडर करें, कोई भी कण मूव कर रही है एक पॉइंट पी से क्यू पॉइंट, दो पॉइंट दिए गए हैं, तो उसमें वेलोसिटी होगी।
तो वेलोसिटी होगी तो उसमें समय तो समय को भी कंसीडर किया जाएगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपके त्वरण के इक्वल होगा। तो ये त्वरण डीवी अपॉन डीआर से डीटी डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू, इसको हम स्थिर सदिश के अकॉर्डिंग हम अगर रखें डी अपॉन डीटी, यहां पे वी की वैल्यू को हम स्थिर सदिश से व्यक्त करें तो इस तरीके से हमको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल से प्राप्त कर सकते हैं एक्सीलरेशन स्थिर सदिश। स्थिर सदिश मतलब विस्थापन और समय, ये जो कंडीशन होती है ये सेकेंड डेरिवेटिव की कंडीशन होती है। अगर आपको किसी भी कण का एक्सीलरेशन अगर हम स्थिर सदिश या विस्थापन के थ्रू प्राप्त करें तो हमको सेकेंड डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो इसका मतलब अगर आपको वेग, अगर वेग और एक्सीलरेशन की बात करें तो वहां पे आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल से, बट स्थिर सदिश और एक्सीलरेशन में रिलेशन प्राप्त करें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है इसी फार्मूले पर अप्लाई होकर लगते हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि जैसे ए और बी दो पोजीशन है, किसी ए के सापेक्ष बी की स्थिति क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, जिसको हम सापेक्ष वेग हम बोलते हैं। तो सापेक्ष वेग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सापेक्ष, जैसे सापेक्ष वेग, जैसे वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग क्या होगा, अगर दोनों वस्तुएं गतिमान हैं और धरातल पर हैं तो इस कंडीशन पे हम सापेक्ष वेग की हम कंडीशन को जान लेते हैं। तो यहां पर दो कण है ए और बी, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं। तो अगर एक स्थिर कर दें दूसरे को मूव कराएं, तो ऐसी कंडीशन में जैसे ए एंड बी दो कंडीशन है, तो इसका मतलब ए के सापेक्ष बी की कंडीशन क्या होगी। इसका मतलब सापेक्ष गतियां ए के सापेक्ष वस्तु ए का बी के सापेक्ष, वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग होगा वस्तु, यहां पे लिखेंगे वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग। तो ऐसी कंडीशन में वी ए बी, यहां पे कैसे वी ए बी, इसका मतलब वस्तु ए का वेग किसके सापेक्ष में, बी के। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग v सफिक्स a माइनस v सफिक्स v की चर्चा करते हैं। इस कंडीशन अगर जस्ट इसका अपोजिट की बात करें, वस्तु v का, वस्तु v का वस्तु a के सापेक्ष गति, सापेक्ष वेग वस्तु ए का बी के सापेक्ष, वस्तु बी का ए के सापेक्ष जस्ट इसका अपोजिट होगा वी ए, बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, इसको हम लिख सकते हैं वी सफिक्स वी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए माइनस वी। ऐसी कंडीशन में वी वी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी, इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग, अब वस्तु मतलब वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग, वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग का जो सम होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना, ये कंडीशन आपको प्राप्त हुई। अब हम
अभी तक जितनी चीजें हम लोगों ने जितने टॉपिक को पढ़े हैं हुए हैं स्थित सदिश और विस्थापन को लेते हुए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एप्लीकेशन इन्हीं सब को अप्लाई कर कर हम जो है आंसर को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया गया है कि किसी कण की स्थिति दे दी गई है, वो भी टू डायमेंशन में है, थ्री डायमेंशन में दिया गया है, ठीक है ना। और यहां पे लिखा गया है 4.1 एग्जांपल है आपकी बुक में फिजिक्स के, किसी कण की स्थिति यहां पर इसमें गिवन क्या क्या है देख लीजिए। पहले हम कण की स्थिति को हम यहां पे इक्वेशन जो दिया गया है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में उसको हम यहां पे शो करते हैं। यहां पर एग्जांपल्स 4.4 ऐसी कंडीशन में R इज इक्वल टू 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप है, जहां टी सेकेंड में व्यक्त किया गया है, अन्य हाँ इसी तरीके से आर मीटर में व्यक्त हो जाए। तो कण का वेग आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पॉइंट है कण का वेग वी टी सफिक्स टी व ए टी मतलब एक्सीलरेशन ज्ञात कीजिए। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है बी पोजीशन, इसमें दिया है टी इज इक्वल टू 0.0 सेकंड में, 0 सेकंड में पर वी टी की वैल्यू का परिमाण और दिशा ज्ञात की, ये कंडीशन है। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि कण का वेग पहले आप फाइंड आउट करेंगे टी के सापेक्ष। तो आपको पता है कि आप यहां पर स्थित सदिश वेक्टर दिया गया है तो इसमें वी टी निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में हम आर को वी टी को हम किस रिलेशन से निकालेंगे, डी आर अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष इसको क्या करेंगे अवकलित कर देंगे, टी के सापेक्ष इसको अवकलित कर देंगे। तो आपको प्राप्त होगा वी टी इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहां पे 3 इंटू टी है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, देन प्लस 3 आई कैप प्लस 2.0 इंटू 2 इंटू टी जे कैप ये प्राप्त हुआ। तो ऐसी कंडीशन में 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप ये आपके वी टी की वैल्यू हो जाएगी, ये कंडीशन मिल गया। अब यहां पर नेक्स्ट है ए टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी कंडीशन में हमने स्थित सदिश और एक्सीलरेशन में रिलेशन बताए थे आपको, ए टी इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी सेकेंड डेरिवेटिव की स्थिति में, इसका मतलब इसको आप डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशियल आप दोबारा करेंगे तो यहां पे ए टी इक्वल टू ए सफिक्स टी इज इक्वल टू यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 4j, तो ये आपको 4j प्राप्त होगा एक्सीलरेशन, ठीक है ना। 4j यूनिट टाइप है, एकांक सदिश है। अब इसमें सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि vt
टी इक्वल टू वन सेकेंड पर वी टी का परिमाण और दिशा आपको ज्ञात करना है। परिमाण और दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से आप इस फार्मूले को ध्यान दीजिए। जैसे कंडीशन आपने देखा था कि स्थित सदिश का इस तरीके से, सपोज दैट इस तरीके से अगर हम प्रेजेंट करें आर, स्थित सदिश आर, यहां पे देखिए आप लोग, चलिए यहां पे देख लीजिए, आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप यूनिट कैप, देन डी आर स्थित सदिश अपॉन डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करें डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, इसका मतलब एक्स अक्ष पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वी, ये हो जाएगा वी सफिक्स एक्स आई कैप प्लस वी सफिक्स वाई जे कैप, इस टाइप से प्राप्त होगी। इसका मतलब वी एक्स, तो एक्स अक्ष पर वेलोसिटी हो गई कण की, और वी वाई वाई अक्ष पर वेलोसिटी हो गई कण की, तो पार्टिकल्स की एक्स और वाई अक्ष पर वेलोसिटी हो गई। तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जिसको परिमाण, तो कण के वेग का परिमाण, कण के वेग का परिमाण बराबर रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस टू वी एक्स इंटू वी वाई कॉस 90 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन में वी आर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इस कंडीशन पर लिखेंगे वी एक्स की वैल्यू और वी वाई की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप यहां से कंपेयर करें तो यहां पे वी एक्स की वैल्यू 3 है, यहां पे 4 है, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे होंगे तो इस यहां पे जो वेलोसिटी आई है इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वी एक्स इक्वल टू यहां प्राप्त होगा आपको 3 एंड वी वाई प्राप्त होगा 4t। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे गिवन है t इक्वल टू 1, तो यहां पे 4t दिया है, तो 4 इंटू 1 मतलब 4, वी वाई की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड और वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे वी आर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसी कंडीशन में 9 प्लस 16 बराबर √25 इक्वल टू 5 आ जाए, 5 मीटर पर सेकेंड, जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाए। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट, और पर इसकी दिशा, दिशा जब आपको ज्ञात करनी हो, दिशा ज्ञात करनी हो तो यहां पे आप लोग देखिए tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो वी वाई की वैल्यू कितनी है, 4, क्योंकि t इक्वल टू 1 दिया है, अपॉन 3 tan थीटा। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, इस टाइप से हम स्थित को ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आपके वेक्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए। अब हम जो प्रोजेक्टाइल के जितने प्रोजेक्टाइल मोशन के जितनी कंडीशन होती है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।